अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों और बहनों को। तो भाइयों, आज से पहला रोजा शुरू हो गया है। तो हमारी बीवी नसीम ये लोग उठे थे सुबह, तो सब सहरवरी कर लिए, आज रोज़ा रखे, अभी दोपहर की नमाज़ पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुदा के फजल करम से हम लोग भी अच्छे हैं। तो गाइस देखो, आज का पहला रोज़ा है। देखो सुबह सहरी में उठे थे, सारा घर हमारा उठा, सहरी करे सब लोग, हमारे घर पर रोज़ा है। तो देखो आज दिन भर की रोटी आप लोग को दिखाती हूँ, हम लोग क्या बनाने वाले हैं अब तारीख पे। तो आज क्या क्या बनने वाला है मेरे में आप लोग को दिखाती हूँ। अभी से शुरू करती हूँ, तो रोज़ा खोले तक बताती हूँ आप लोग को। तो मिलते हैं बाद में, बोलिए। हाँ, कुछ फिर मिलते हैं तो मिलते हैं। तो देखो मैं योगी सर उस दिन गई थी ना, तो रोल की रोटी लेके आई थी। ये देखो रोल रोटी लाई थी, तो आज हम लोग खरीद के लाए थे रोल रोटी, बना रहे घर में बनाए नहीं है। रोजा है बोल के लग रहा बोल के आज नहीं बनाई मैंने। तो देखो जोगी शरीफ गई थी तो लेके आई, तो देखो हमारा रोल का मसाला ये रोटी बन रही है। तो गाइस मतलब इसकी रेसिपी बता दिए ना? हाँ, इसकी रेसिपी, इसकी रेसिपी हम लोग बता दिए। सभी रमजान का महीना करके हम लोग फिर बना रहे हैं अफ्तारी के लिए, तो तैयारी हो रही है सब बनाने। तो गाइस देखो मैं आज ना, देखो हमारा रोल बन के तैयार हो गया है, और ये चिकन पेटिस ये बन गई है, और ये मालपुआ बना रही हूँ मैं। मालपुआ में देखो मैदे का आटा डाली, इसमें दो अंडा है और दूध है, फिर इसमें लबड़ी बनाऊंगी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आज मालपुआ और लबड़ी बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है? तो देखो हेलो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ मालपुआ। ये देखो हमारा मालपुआ बन रहा है। ये देखो मालपुआ की तो आप लोग को बताई मैंने कि क्या क्या मैंने अंडा, दूध, मैदे का आटा और दूध, शक्कर ये सब डाल के मिलाई थी, वो आप लोग को मैंने दिखाई है। अभी देखो मैं बना रही, ये देखो ये मेरा बन गया मालपुआ। देखो कितना मस्त बना है। ये देखो गाइस, इसके ऊपर अभी मैं लबड़ी बनाऊंगी, तो आप लोग को दिखा, मेरे को एक डाल के दिखाती हूँ और आप लोग देख सकते हैं। पहले डालने का देसी घी, ये देखो मैं ऐसा ही बनाती हूँ, मेरा देसी घी डाल के थोड़ा घी को और गर्म करेंगे ऐसा। फिर एक चम्मच ये लेके अपना, ये देखो ये घोल लेके इसमें छोड़ देंगे, अपने आप घोल जाएगा इसमें। बस मेरा मालपुआ मस्त बन के मस्त है। इसको जरा चौड़ा करके नहीं, बहुत सारे कढ़ाई में तेल लेके बनाते हैं, लेकिन मैं तेल में नहीं बनाती, देसी घी में बनाती हूँ, तो मुझे खाने में अच्छा भी लगता है। अभी इसको अभी लबड़ी भी बनाऊंगी मालपुआ के साथ में। लबड़ी अपन बम्बई जाते हैं, अभी देखो रमज़ान में बम्बई जाएंगे तो मज़ा आएंगे। बम्बई में ये सब बहुत अच्छे से ये चीज़ें बिकती है, लबड़ी मालपुआ खाने जरूर बम्बई आना। तो बम्बई जाने की ज़रूरत क्या है, अपन यही बम्बई बना लेंगे। ये देखो ये हमारा यही बम्बई, बम्बई का मालपुआ देखो घर में बनाएंगे, हमारी घर में ही। ये थोड़ा देसी घी डालो और तेज आटा है। अभी रोजा खोलने के जरा सामने सामने बनाने का, एकदम सुबह से नहीं बना के रखने का, तो क्या जरा टेस्ट ठंडा हो जाता है। हाँ, आधा घंटा एक घंटा पहले बनाएंगे ना तो अच्छा हो जाता है, गर्म रहता है, गर्म में रख देंगे। अभी लबड़ी भी बनाऊंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, फिर उसमें मालपुआ वगैरह कैसे डाल के बम्बई में बेचते। मेरा मालपुआ जैसा लग रहा, अंडा है, अंडा नहीं है, ये मालपुआ है। हाँ, जरूर बताना मेरा मालपुआ कैसा बना। अभी इसकी रेसिपी भी और बाकी है, तुम लोगों को मैं बताती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। तो देखो हमारा मेरा मालपुआ देखो बन गया, देखो बन के तैयार हो गया। देखो लबड़ी बना रही हूँ मैं, ये देखो मालपुआ लबड़ी। अभी मेरे को यहाँ ला के बताना पड़ेगा। ये देखो ये लबड़ी है हमारी, दूध खवा, ये देखो ये लबड़ी मालपुआ। ये मेरी गाढ़ा हाँ, खवे से बनती है। क्या मिला इसमें? दूध है, खवा है, मलाई है, अच्छा, थोड़ा सा कस्टर्ड है, अच्छा, ये सब मिला के शक्कर है, ये मिला के बनता है। देखो एक नंबर मेरी लबड़ी है। अभी रोजा को लेने में मैं बताती हूँ इसको, मालपुआ लबड़ी बम्बई का आइटम। तो गाइस आज रमजान का पहला रोजा है,
तो हमारे जो घर वाले सभीओं ने, हमारे जो हमारे बच्चों ने, सारी फैमिली ने हमारे रोज़ा रखे हैं। और देखो फिर फजर की नमाज़ पढ़े, जोहर की नमाज़ पढ़े, अभी असर की नमाज़ पढ़ के आ गया हमारा बेटा। और थोड़ा काम से गया था, अल्लाह ताला बच्चों से लेके, नौजवानों से लेके, बुजुर्ग से लेके सभी का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल करे। और देखो ये रोज़े में इंसान रोज़ा रखता है, नमाजें पढ़ता है और तलावत कलाम पाक की तलावत तक करते हैं इंसान। अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों को कबूल अता फरमाए। बस ये मेरी दुआ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। ये महीना बहुत ही फजीलत वाला है, रहमत वाला है, बरकत वाला है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में, आपको बता दूँ। ये देखिए अभी हमारे भजिए बन रहे ले, ये देखो इधर पे, इधर मेरे शोहर कलाम पाक पढ़ रहे ले, ये देखो, ये देखिए कलाम पाक हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। अभी रोजे का टाइम हो रहा है तो फटाफट फ्रूट काट रहे ले। मैंने सब रोजा है ना, सब सही कर रहे। देखो मेरे बच्चे लोग अभी देखो दस्तरखान बिछा है, फ्रूट की तैयारी हो रही है। देखो अभी नींबू शरबत वो बनाती हूँ तो आप लोग को फिर दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, हम जो भी सारी नियामतें हैं, हमारी जो बीवी है उन्होंने सुबह से बनाई है सब। देखिए ये भजिया बनाई, रोल बनाई है और मालपुआ भी बनाई है। सारी नियामतें देखो बनकर तैयार हो गई है। अभी मालपुआ में ऐसा लगा के देखो, ऐसा लगा के ऐसा फोड़ करके खाने का है। खाते मुंबई का। हाँ तो अभी 5-10 मिनट बचा है रोजे के लिए, तो फिर आप लोग को दिखाते हैं हम लोग को। तो देखिए सारी नियामत, हम लोग बैठ गए, अभी हमारा बेटा भी आने वाला, वजू कर रहा है हमारा बेटा। ये देखो हमारे बच्चे लोग भी। हाँ रोजे का टाइम करना, अभी दुआ पढ़ो आप लोग, फिर अपन रोजा कर लेंगे। तो वाइस फिर मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस अभी रोजा खुलने का वक्त हो गया है, तो अभी हम लोग रोजे की दुआ मांग रहे हैं। तो अभी रोजे की दुआ हम लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह हमारी जुबान पर कलमा तैयबा हमेशा जारी रख। अमीन। अल्लाह हमें कामिले ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। अमीन। अल्लाह हमें पूरे रमजान की नेमतों, अनवार और बरकत से माला माल फरमा। अमीन। अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश और इसके हलाल अता फरमा। अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना। अल्लाह हमें लैलतुल कद्र नसीब फरमा। अल्लाह हमें हज मकबूल व मकरूह नसीब फरमा। अल्लाह हमें झूठ गीबत बाज वकीना बुराई झगड़े फसाद से दूर रख। अल्लाह हमसे तनगदसी खौफ घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा। अल्लाह हमारे सगीर और कबीरा गुनाहों को तू माफ फरमा। अल्लाह हमको दज्जाल के फितने शैतान और जिन्न के शर से महफूज रख। अल्लाह औरतों को पढ़ने की पूरी पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिनों मोमिनात को महफूज रख। अल्लाह हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा। अल्लाह हमें हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पे कायम रख। अल्लाह हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह हमें मौत की सख्ती से, कब्र के अजाब से बचा। ए अल्लाह उनकी नकीद के सवारत हम पर आसान फरमा। ए अल्लाह हमें कयामत के रोज अपना दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ए अल्लाह हमें कयामत की गर्मी से और जहन्नम की आग से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमें कयामत, ए अल्लाह हमें और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को हसरी की रुसवाइयों से बचा। ए अल्लाह नामे अमल हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। ए अल्लाह कुर्सियात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें दोनों जहां में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना कर रख। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।
रखी थी मैं मेरे रोजे को तेरे बारगाह अल्लाह में कबूल फरमा तो देखो हमारा सब रोजा खोल के बैठे है अभी, बच्चे उम्मक उम्मक कर रहे। तो देखो दिन भर का रोजा था, हमने सब अफ्तारी बनाए, रोल रोल बनाए, आइयो बाय करो।